फिल्म रेंडर करने के लिए हमको सिक्वेंसर कैसे यूज करनी है वो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो मैं है ना फ्रेश डायरेक्टली मैं देखो 5.5.0 का प्रीव्यू वर्जन ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको लॉन्च कर दूँगा। ठीक है, लॉन्च करने के बाद हम पहले एक सीन बनाएंगे और सीन में हम रेंडर करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला जो हमारा काम है यहाँ पर, अगर फिल्म के लिए काम कर रहे हो तो आप इसमें लीजिए, ठीक है, ये आपका ब्लैंक यहाँ से मिल जाएगा और स्टार्टर कंटेंट साथ में आ जाएगा और हम लोग यहाँ से डाल देंगे सिक्वेंसर। ठीक है, इसका हम लोग नाम ऐड कर दिया है और ये फोल्डर मेरा लोकेशन डेस्कटॉप पे मैंने रखा है और इसको हम कर देंगे क्रिएट। ठीक है, थोड़ा सा ये टाइम लेगा क्योंकि हम लोगों ने फिल्म के लिए लिया है। ओके, सो काफ़ी फास्ट ये लोड हो चुका है, मैं सबको यहाँ से प्लगइन को हम डिसमिस कर देंगे, ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली ऐसे भी चला जाएगा लोड होने के बाद। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा जो व्यू पोर्ट है आ चुका है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि एक प्रोजेक्ट यहाँ पे हम लोग ऐड करें, इसका नाम हमने सिक्वेंसर डाला है और सबसे पहले हम जाएंगे एपिक गेम्स और इसके लॉन्चर पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैंने प्रोजेक्ट्स डाउनलोड कर रखे हैं, आप लोग भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एनिमल वैरायटी पैक, ये आपको फ्री में मिल जाएगा, आप यहाँ से ऐड कर लेना। ठीक है, ऐड करना है आपको नया वर्जन जो आपने अभी बनाया है, तो सारे प्रोजेक्ट्स को ऐड करेंगे और सिक्वेंसर में हम इसको ऐड कर देंगे। एसेट नॉट कॉम्पेटेबल विद वर्जन 5.5, प्लीज़ सिलेक्ट क्लोजेस्ट ऑल्टरनेटिव वर्जन। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा सा इसको लोअर में कर देंगे। ठीक है, 5.0 और इसके ऊपर भी हम ले सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर है ये चीज़। ठीक है ना, 5.3 भी लेंगे तो भी हमको चल जाएगा। तो पहले यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, ये ऐड हो चुका है। एक और प्रोजेक्ट हम लेंगे तो हम यहाँ से ले सकते हैं, चलिए एक काम करते हैं, मॉड्यूलर लॉस्ट रूइन किट ये हम ऐड कर लेते हैं। इसको भी सेम तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे लेकिन लोअर वर्जन में। ठीक है ना, तो ये है, ये भी आ जाएगा। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू टेक टाइम, 1.4 GB का है तो इसके पहले हमने इसमें लोड नहीं किया है, इसको सेट नहीं किया है, इसके लिए ये यहाँ पर थोड़ा टाइम आपको ले लेगा। यस, सो ऐड हो चुकी है, वापस बैक जाते हैं क्लोज। अब ये मेरा जो है आप देख सकते हो ब्लैंक सीन है। ठीक है ना, हमने जो ऐड किया था वो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर है और ये एनिमल का वैरायटी पैक और मॉड्यूलर लॉस्ट रूइन किट। ठीक है ना, तो इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाएंगे ना, इसके मैप्स में हमको मिलेगा इसके कुछ सीन्स, राइट। तो यहाँ पर आप चलो एक बेसिक हम लोग ये लेते हैं एग्जांपल मैप स्टार्टिंग वाले। ठीक है, और ये थोड़ा टेक्सचर और ये सब लोड करने में कभी कभी समय ले लेता है, अगर आपने पहले नहीं किया है तो इस टाइम हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम ले लेगा, नहीं तो फिर हो जाता है। सो अभी ये स्टार्ट हो चुका है और सिर्फ शेडर्स लोड कर रहा है, उसको प्रिपेयर कर रहा है, थोड़ा सा टाइम ले सकता है बिकॉज वी आर स्टार्टिंग दिस फर्स्ट टाइम, इसके लिए ऐसा हो रहा है। ठीक है ना, चलो कोई नहीं, अभी जाते हैं, इसके सीन्स तो देख लिया हमने, रेडी कर लिया है। अब इसके पहले हम लोग यहाँ पे एक काम करेंगे, सिक्वेंसर बनाएंगे। ठीक है, सो फॉर द सिक्वेंसर विल हैव टू गेट अ न्यू फोल्डर, यहाँ पर एक फोल्डर ले लेंगे और हम लोग यहाँ पर डाल देंगे शॉट्स। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जब तक वो प्रिपेयर कर रहा है तब तक हम लोग सिक्वेंसर यहाँ से बना लेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से करेंगे ऐड लेवल सिक्वेंसर। ठीक है, हमें फिल्म को रेंडर करनी है तो रेंडर करने के लिए, एनिमेशन बनाने के लिए ये यहाँ पर इस तरह से हमको जाना पड़ेगा और यहाँ पे ऐड करेंगे शॉर्ट अंडरस्कोर 01। ठीक है, और इसको कर देंगे सेव। ठीक है,
ये जो सिक्वेंसर आया है इसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हो इधर। ये कर्व है एनिमेशन के लिए, और ये जो है आपका ओरिजिनल सिक्वेंसर जहाँ पे आप एनिमेशन करेंगे, ठीक है। और सिमिलरली जो आपने अगर दूसरे सॉफ्टवेयर यूज़ किए रहेंगे तो टाइमलाइन में सेम फ्रेम्स की तरह होता है, इसका फ्रेम्स आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो, और भी इंक्रीज करना है तो यहाँ से आप ले सकते हैं और इसको इस तरह से बढ़ा सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइमलाइन, और ये टाइमलाइन में लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपके लेयर्स, ठीक है। चलिए मेरा सीन तब तक रेडी हो चुका है, मैं यहाँ पर बैक अब छोटा सा यहाँ पे कैमरा सेट करने वाला हूँ मैं, ठीक है ऐसा। ठीक है, और यहाँ पर हम अपने कैरेक्टर को उठाकर लेकर आएंगे, इससे पहले हम यहाँ पे कैमरा सेट करते हैं, ठीक है। और इसका एक बुक मार्क हम बना लेंगे ताकि हम सेम जगह पे है ना वापस जा सकते हैं। सो बुक मार्क के लिए आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा हमें बुक मार्क, और सेट बुक मार्क टू 1 कर लेते हैं, ठीक है। 0 भी करेंगे तो भी चल जाएगा, हम 0 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आएगा, बट 1 लेते हैं, मेरे लेफ्ट साइड पे है तो इसके लिए ये 1 पे, मतलब आप कहीं पे भी रहो, ठीक है, और वहाँ पे आपने 1 प्रेस किया तो डायरेक्टली वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर ही हम लोग क्या करेंगे, इधर से मेरा एक कैरेक्टर आने वाला है, ठीक है। या लगता है आपको कि सीन चेंज करना चाहिए, लोकेशन चेंज करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पूरा सीन यहाँ पर रेडी है हमारे पास। ठीक है, फिर से 1 प्रेस करो, पहुंच गए, चलो कोई नहीं, हम यहाँ पे ही काम कर लेंगे, थोड़ा बहुत एडजस्ट करनी है सबको, तो आप लेस भी कर सकते हो अपने हिसाब से। अब यहाँ पर जाना है आपको, सबसे पहले एक कैमरा लेना है, तो कैमरे के लिए आप देखो यहाँ पे भी जाएंगे, और सॉरी यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट कैमरा फ्रॉम हियर, ठीक है, यहाँ से ले पाएंगे, या फिर आप सिनेमैटिक यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ पे भी सिने कैमरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये है सीने कैमरा एक्टर, ठीक है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल कैमरा यहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि यहाँ से हम सेट नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे भी कैमरा क्लिक करेंगे तो भी ये ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऑप्शन हैं, जैसे सेव करना है, फाइंड करनी है ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पे कैमरा है, फिर रेंडर करनी है, ठीक है, और यहाँ पे एनिमेशन के लिए ऑटो की, सेट की, स्नैपिंग, FPS भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये 30 FPS पे डिफॉल्ट लेता है, मैं चेंज कर सकता हूँ उसको 25 और 48, बट क्या रियल पे हम लोग एनिमेशन बना रहे हैं, रेंडर टाइम बहुत कम लगता है, तो फ्रेम रेट भी हम बढ़ा के ले सकते हैं, ठीक है, थोड़ा स्मूथ एनिमेशन आएगा। चलिए फर्स्ट फ्रेम, और यहाँ से सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक कैमरा सीने कैमरा यहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे जाओ, मैंने क्या कहा था, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से सीने कैमरा एक्टर उठा लेंगे, ठीक है। तो ये सीने कैमरा एक्टर देखो यहाँ पर सेम आ चुका है, यही कैमरे को ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, ठीक है, कैमरा यहाँ पे आ हो चुका है, देखिए इस तरह से ये जो कैमरा है ऐड हो गया, और कैमरे में नो एनिमेशन, नथिंग हैपनिंग, सो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं है, पर शेडर के लिए देखो प्रिपेयर कर रही है। कैमरे पे हम लोग अब जाएंगे बैक यहाँ पर, और एक छोटा सा ऑप्शन है पर्सपेक्टिव के अंदर, यहाँ पे मिलेगा सिनेमैटिक व्यू पोर्ट, जब एनिमेशन आप करते हो ना तो आप सिनेमैटिक व्यू पोर्ट ऑन करो और ये कैमरा ऑन कर लो, क्योंकि आपने जहाँ पे रखा है ना वहीं से आपका ये आ गया है, देखो इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से फर्स्ट फ्रेम, जब भी मैं कैमरे पे यहाँ पे रखा है, अगर कैमरा मेरा ऑन है और व्यू पोर्ट ऑन है, तो मैं यहाँ से इसका कैमरे का एनिमेशन में हल्का हल्का सा कर सकता हूँ। तो पहले मैं क्या करता हूँ, छोटा सा एनिमेशन कर लेते हैं, तो कैमरे का प्रॉपर्टीज़ इधर है, आप कैमरे का प्रॉपर्टीज़ यहाँ से सेट कर लेंगे, इधर देखो छोटा सा ऑप्शन है, ठीक है, फिल्म, और ये फिल्म कैसा, मतलब इसका जो है डिजिटल फिल्म का साइज़, आप कैमरा का लेंस ले सकते हैं, ये DSLR का है, ठीक है, देखिए इस तरह से। और इसके अलावा भी जो डिफ़ॉल्ट में था 16:9 फिल्म का था, और भी आपको चेंज करना है 35 mm एकेडमी, ठीक है, तो ये भी सब अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं ताकि कैमरा आप अच्छे से यूज़ कर सको।
और वाइड एरिया ठीक है सेट करनी है तो यहाँ से ही आपको सेट करना पड़ेगा। ओके, और ये अपर्चर है, यहाँ पे हम लोग फोकस डिफोकस के लिए भी थोड़ा सा काम कर लेंगे। तो फोकस डिफोकस अभी हम लोग नहीं करते हैं, पहले यहाँ पर जाएंगे, कैमरा ऑलरेडी सेट है, जाएंगे बैक, ठीक है, इसको कर लेंगे सेव। ठीक है, ये अनसेव्ड है, अभी स्टार दिख रहा है, इसको टू को सेव कर लेंगे। यस, सो एवरीथिंग इज नाउ रेडी। और जाएंगे ब्राउज़र, कंटेंट ब्राउज़र में, और यहाँ पे जो एनिमल वैरायटी पैक था इसमें से हम लोग लेंगे डियर। ठीक है, और डियर में है मैसेस, आप देख सकते हो, ये स्केलेटल मैश हम लोग उठाएंगे। ठीक है, ये कैरेक्टर को हम लोग यहाँ पे ले आएंगे। हाँ, ठीक है, और ये जो कैरेक्टर होगा मेरा, ये साइड में इस तरह से आने वाला है। अब देख लो, ये रेड वाली जो है, ठीक है, और एक्स एक्सेस में जाएगा ये, तो एक्स एक्सेस मतलब इस तरीके से। ठीक है, अब देख लो, आप यहाँ रखना है, आप यहाँ रख के फिर इस तरह से आप देख लो। ठीक है, तो ये कैरेक्टर हमने रखा है, ये कैरेक्टर को एनिमेशन के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मैंने कहा था कि थोड़ा सा कैमरा एनिमेशन करेंगे, और कैमरा एनिमेशन के लिए यहाँ पे जाना है। ठीक है, ऑलरेडी मेरा ऑन है यहाँ से सिनेमैटिक कैमरा और सिनेमैटिक व्यू पोर्ट, तो हमको एनिमेशन करने में थोड़ा सा आसान होगा। यहाँ पर जाएंगे और ये लेंगे लोकेशन, जिसमें एक्स वाई जी मतलब तीनों डायरेक्शन पे आप एनिमेशन इसके कर सकते हो। रोटेशन भी सेट करोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन को पूरा एनिमेशन एक्टिव कर दो इस तरह से। ठीक है, लास्ट फ्रेम पे जाएंगे और ये धीरे धीरे थोड़ा सा पैन होगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे, हल्का सा, और ऐसा यहाँ पे हमने रख लिया, और फिर से इसको एनिमेट करेंगे ऐसा एक्शन। ठीक है ना, देखो इस तरह से फ्रेम मेरा एनिमेट हो चुका है। ठीक है, तो काफी अच्छा एनिमेशन जा रहा है हमारा, और थोड़ा सा लेकिन टाइम ज्यादा ले रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं, क्योंकि की फ्रेम हमारे पास है। ये जो की फ्रेम है आप थोड़ा सा पहले ले सकते हो, ये 100 फ्रेम तक ही चाहिए मुझे, ये 100 फ्रेम यहाँ पे तुम्हारा रेडी हो जाता है। ठीक है ना, तो 150 लिया मैंने, और इसको मैं थोड़ा टाइम के लिए यहाँ पे रख रहा हूँ बैक इस तरह से, हम इसको सेट कर लिया है। ओके, अब यहाँ पर जो कैमरे का एनिमेशन तो मैंने किया यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन जो आपका यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, कैमरे का काम थोड़ा सा और करना है, जिसको फोकस डिफोकस कहते हैं। देखो, फोकस में आप ले सकते हो यहाँ पर, और मैनुअल फोकसिंग करेंगे इस तरह से, ट्रैकिंग वाली नहीं करनी है अभी फिलहाल के लिए, मैनुअल कर रहा हूँ मैं, यहाँ से क्लिक कर लेंगे, और मुझे इसको डिफोकस करना है। ठीक है, कैसे पता चलेगा, उसके लिए आप ये प्लेन जो है ना इसका, ये ऑन कर सकते हैं, और ऑन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितने एरिया पे आप कवर कर रहे हो। देखो इस तरह से, तो जो बैकग्राउंड होगा वो डिफोकस हो जाएगा, और यहाँ से जो आगे जाएगा, ठीक है ना, उसमें फोकस होगा। तो चलिए इसको वापस से ऑफ कर देते हैं, प्लेन मेरा फोकस डिफोकस का सेट हो चुका है। अब यहाँ पर जाएंगे, जब रेंडर होगा तो प्रॉपरली ये रेंडर करेगा। ओके, डन, बैक। यहाँ पे हमने एक जो कैरेक्टर को लिया था वो कैरेक्टर को यहाँ से उठाएंगे, सॉरी, एसके डियर रिग, थोड़ा सा इसको है ना बड़ा साइज में रखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। सीने कैमरा एक्टर इज डन, ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, ये जो कैरेक्टर है देखो आ गया आपका, और ये डियर वाली जो एनिमेशन है, एनिमेशन इसके अंदर हमने डाला नहीं है, अब एनिमेशन को हम ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है, कैमरा हमारा यहाँ तक अवेलेबल है, उसको अगर चाहेंगे तो हम आगे तक ले पाएंगे, बट अभी फिलहाल के लिए मैं इतना रख रहा हूँ, और यहाँ पर एनिमेशन ऑन करेंगे। ठीक है, जहाँ पे इसका प्ले हेड होगा, देखो ये प्ले हेड है, ये प्ले हेड में यहाँ से आपको एनिमेशन चाहिए, तो यहाँ से आप फर्स्ट फ्रेम में जाओ इस तरीके से। हाँ, तो फर्स्ट फ्रेम में आप चले जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और इसका एनिमेशन ऑलरेडी ऑन रहता है, यहाँ पर रहता है,
आप इसको उठा लेंगे, ठीक है। तो मुझे चाहिए रन, ये देखिए। तो रन में से आप आरएम लीजिएगा, ठीक है। और ये जो होगा कैरेक्टर क्या करने वाला है, देखो एनिमेट होने वाला है ऑटोमेटिकली, यस। और यहाँ से देखो क्या हो रहा है कि वापस से ये जो कैरेक्टर है, थोड़ा लाइटिंग का इशू दिख रहा है हमको, कैरेक्टर हमारा दिख नहीं रहा है ठीक से। तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल एल प्रेस करेंगे, यहाँ पर सीन पे क्लिक करना है। कंट्रोल एल प्रेस करिए तो आपका लाइटिंग सेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने सेट कर लिया लाइट थोड़ा सा। और इसका पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम जो होगा ना यहाँ पे रहेगा, इसको सर्च करेंगे पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम, देखो यहाँ पर है, ठीक है। इसका जो कलर करेक्शन है, यहाँ पे आप सर्च मारो, कलर करेक्शन मिल जाएगा आपको। और कलर करेक्शन अगर ऑन है, क्योंकि सैचुरेशन ऑन है इसका, और दूसरा शैडो, मिड टोन पे भी काम है और हाईलाइट पे भी काम है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्लोबल पे काम करेंगे। और ये ग्लोबल जो है ये सैचुरेशन लेवल है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा इसमें हम लोग काम कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इस तरह से हम लोग ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं। दूसरा एक और है अपने पास ऑप्शन, जो शैडो वाली पार्ट है, कॉन्ट्रास्ट पे काम करेंगे यहाँ पर हम, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, और भी ब्राइटनेस चाहिए तो फिर हम लोग को थोड़ा लाइट पे काम करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, इसका जो डिफॉल्ट लाइट है हम उसी में भी काम कर रहे हैं फिलहाल के लिए। थोड़ा सा हमारा चेंज हो चुका है, यस। चलिए यहाँ से कंटिन्यू करेंगे इसको। कंटिन्यू मतलब ये एनिमेशन देखो यहाँ से आके रुक गया और बैक चला गया। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसको आगे कंटिन्यू करें, ठीक है ना। तो इसका नेक्स्ट जो फ्रेम है मेरा ये है, और यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है। इसको राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे फिर से, या फिर आप यहाँ से एनिमेशन ऐड कर लो, सेम एनिमेशन यूज़ करेंगे, रन आरएम, देखो यहाँ पे फिर से ऐड हो चुका है। बट प्रॉब्लम क्या है, इसको मैच कर, देखो सेम एनिमेशन रिपीट हो रही है लेकिन वापस कंटिन्यू यहाँ तक जा रही है, ठीक है। तो हम चाहेंगे इसको राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे है मैच विथ द मून प्रीवियस क्लिप और नेक्स्ट क्लिप, हमको क्या करना है, मैच करनी प्रीवियस क्लिप से। तो यहाँ पर राइट साइड में ना आप देख सकते हो इसके हैंड है, ठीक है, राइट हैंड पे मैं ले रहा हूँ, और फिर मैं इसको चेक करता हूँ कि एनिमेशन, राइट क्लिक मैच विथ नेक्स्ट क्लिप राइट हैंड, ठीक है।